तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए इंटरव्यू क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। HTTP रिक्वेस्ट तो हम सबको पता है किस टाइप की होती हैं, जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, पैच होता है, हेड होता है और ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सब 7 टाइप के होते हैं। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि क्या हम लोग गेट यूज़ कर सकते हैं पोस्ट की जगह पर, या पोस्ट यूज़ कर सकते हैं गेट की जगह पर। हाँ, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, देर विल बी नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये हम लोग बस इसलिए करते हैं कि जैसे स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं, ठीक है ना, जावा के, तो एक जो भी एक नया बंदा आ रहा है, ठीक है, हम कुछ भी लिख कर चले जाएंगे तो उसको थोड़ी पता है हमने क्या लिखा है। तो अगर हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ठीक है, तो गेट मतलब रिक्वेस्ट गेट होगी, ठीक है। उसमें आइडम्पोर्टेंट नॉन आइडम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि पोस्ट अगर हम लोग हर बार रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं तो वो हमारा प्रीवियस स्टेट को याद नहीं रखता, ठीक है ना। सेम चीज़ गेट भी याद नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि गेट अपडेट नहीं करता कुछ भी, सिंपल सी चीज़, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है अपडेट करने की, ठीक है। तो अगर हम लोग, लेकिन हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, गेट के पोस्ट, पोस्ट के गेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर पुट हो गया, पैच, पुट और पैच पर रिलेशनशिप पूछा जाता है। तो पैच हमारा बस वही आइटम हमें रिटर्न करता है जिसमें एक्चुअल में अपडेट हुआ है, जिस रो में या जिस जिस फील्ड में, ठीक है, अपना वही फील्ड रिटर्न करता है। पुट क्या करता है, जो हमारी रिक्वेस्ट आइडम्पोर्टेंट होती है, मीनिंग दैट मल्टीपल आर्टिकल शुड हैव द सेम इफेक्ट एज अ सिंगल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम जितनी बार भी हिट करेंगे सेम ही रिक्वेस्ट, कुछ अपडेट होगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग पुट को यूज़ करते हैं। हेड ऑप्शंस, हेड से पता चला हमें हेडर मिल जाएगा, ऑप्शन में हमें पता चल जाता है कि हेड भी आ जाएगा, ठीक है, और हमें बॉडी भी मिल जाएगी, ठीक है, जो भी हम लोग को रिक्वेस्ट डालनी है, जो मतलब रिक्वेस्ट से जो भी हमें फील्ड्स चाहिए, स्टेटस कोड ये सब, तो वो सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू।